हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी वैसे कल 23 तारीख की है, लेकिन आज हम राधा रानी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हमने नेट का फैब्रिक लिया है और एक हमने सेंटून का फैब्रिक लिया है। आपकी राधा रानी की जितनी भी हाइट है उस हिसाब से आप कपड़ा लीजिए। तो मैंने 9 इंच लंबा कपड़ा लिया है, मुझे 8 का ही रेडी करना है। और ये मैंने पेपर पेस्टिंग जो पतली वाली आती है फिचिंग पेपर, उसको चिपका लिया है। इसकी लेंथ मैंने 8 इंच ली है और इसकी जो मैंने टोटल चौड़ाई ली है ये 30 से 31 के बीच में है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको रेडी करेंगे। हम इनको अलग अलग जोड़ेंगे, आप ये मत सोचना कि नेट के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि आप देखना बहुत अच्छा लहंगा बन के आएगा। सबसे पहले लहंगा ही बनाएंगे हम, और यहाँ से बस पहले इसको मोड़ देंगे। तो हमें अपने नेट से इसको लगभग 1 से 1.5 इंच ऊँचा ही रखना है, क्योंकि तभी अच्छा लुक आएगा। बस इसको सिंपली हम पूरा मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने पूरा मोड़ लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसे साइडों से भी मोड़ लीजिए इस तरीके से, ताकि जब हम पहनाएं यहाँ पे तो धागे वगैरह कुछ भी नहीं निकलने चाहिए। पहले से फिनिशिंग कर लीजिए। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप थोड़ा कोई मोटा कपड़ा लेके भी इसको बना सकती हैं। तो बस प्लेट्स का डायरेक्शन हम दूसरी साइड करके इनको डालेंगे। और ये हम जो प्लेट्स हैं इनको हम जितनी राधा रानी की कमर है उससे सिर्फ 1 इंच लूज रखेंगे, ताकि हम पूरा गोल सर्कल बना के पिन लगा सकें पीछे, या फिर डोरी लगा सकें। तो यहाँ से बस हम इतनी ही प्लेट डालेंगे, और इतनी ही हमें अपने नेट में डालनी है जितनी हम अपने इस घेरे में डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि लहंगा एकदम खड़ा सा बनेगा, अच्छा लुक आएगा। तो देखिए, मैंने ये रेडी कर लिया है। अभी हम अपना नेट लेंगे और कमर बिल्कुल मैंने कम ही रखी है, तो मैंने नेट ले लिया है। सबसे पहले नेट को मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए, इस टाइप की भी लेस लगा सकती हैं, आपके पास जो भी लेस हो, लेकिन मैं जो गोटा पत्ती वाली लेस आती है वो लगाऊंगी, क्योंकि इसका मैंने एक और लहंगा बनाया था, वो बड़ा प्यारा बना था। तो इसकी मैं 3 लेयर लगाऊंगी, और एक मेरे पास मल्टी कलर में है लेस, तो मैं वो मल्टी कलर वाली भी लगाऊंगी। तो बस पूरे बॉटम पे हम इस लेस को लगा देंगे। आपको जितनी भी प्लेट्स लेनी है आप उस हिसाब से नेट, जैसे इस लेंथ नेट की लेंथ है पूरी 40 इंच, 1 मीटर, तो मैंने 1 मीटर की एक सीधी पट्टी कट कर ली है 9 इंच लंबी। ठीक है, मैंने कोई इसमें कुछ और नहीं किया है। ये मल्टी कलर की लेस है, इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो आप इसमें कोई भी, मतलब आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं। इस लेस के अंदर ही बहुत सारे कलर हैं। तो देखिए, मैंने इसकी 3 लेयर लगा ली हैं। अब बस हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स आपको देखिए इस तरीके से भी आप डाल सकती हैं, या फिर ऐसे छोटी छोटी चुन बना के, देखिए मतलब पूरी आपको ये छोटा सर्कल बनाना है। ये आप मत सोचिएगा कि इसका लुक अच्छा नहीं आ रहा, जब ये पूरा जब उसके साथ अटैच होगा पेपर पेस्टिंग के साथ, तो इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। बस हम ऐसे ही इनको पूरा सर्कल बना लेंगे गोल। ये देखिए, यहाँ से अच्छे से हम लेके आएंगे और पूरा सर्कल अच्छे से बनाएंगे। और देखिए, कृष्ण जी की तो धोती होगी, वो हम वीडियो में नहीं शूट कर पाए, तो हम आपको उसकी वीडियो अलग से दे देंगे, क्योंकि हमने राधा रानी की ड्रेस बनाई थी। तो राधा रानी की ड्रेस हमने आपके साथ शेयर कर ली, लेकिन हम धोती भी बनाएंगे कृष्ण जी की, क्योंकि हम जोड़े से ही बनाते हैं कपड़े, तो इसीलिए हम नहीं बता पाए आपको। बट आप ये बनाइएगा, फिर मैं आपको धोती वाली वीडियो भी ज़रूर दूंगी। तो यहाँ से देखिए, हो सके तो मैं शायद कल ही अपलोड कर दूँ। तो बस अब देखिए, इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। देखिए कितना प्यारा घेरा आ रहा है इसका। तो इसीलिए मैं कह रही थी आपसे, आप जितना नेट लोगे उतनी ही अच्छी आपकी प्लेट आएंगी। तो ये देखिए, बस दोनों कमर वाले हिस्सों को आपस में रख दीजिए और जोड़ दीजिए। ये देखिए, एकदम बराबर आया है, ना छोटा है ना बड़ा है। और मैंने कलर भी बहुत प्यारा लिया है, ये बहुत ही प्यारा कलर था। और मैंने एक और ड्रेस बनाई थी, उसका भी मैं वीडियो आपके साथ, मतलब उस फोटो शेयर करूँगी। देखिए कितना अच्छा लहंगा बन के आया है। अब बस इसमें कमर पट्टी लगा देंगे, तो बेल्ट लगा देंगे, यानी तो बेल्ट की चौड़ाई हमने लगभग 1.25 इंच ली है। तो इसको मोड़ के हम ऐसे मोड़ लेंगे, इसको अंदर ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मोड़ने के बाद अब इसको हम उल्टी साइड को पलट देंगे, और यहाँ पे भी हम एक लेस लगा देंगे। उससे क्या होगा कि इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। दुपट्टा हमें सिंपली रेडी करना है। आप दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई आप जितनी भी आपकी राधा रानी उस हिसाब से ले लीजिए। तो हम दुपट्टा भी इसका रेडी कर लेंगे। सबसे पहले ये लहंगा हो गया रेडी, बस इसको हम ऐसे रॉन्ग साइड को पलट देंगे, और पलटने के बाद बस इसके ऊपर लेस लगा देंगे, और लेस लगाने के बाद इसका ब्लाउज रेडी करेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे। तो राधाअष्टमी वैसे व्रत आज से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग कल भी रखेंगे। तो राधाअष्टमी का जो व्रत है, जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधाअष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी का व्रत पूरा माना जाता है। तो यहाँ से देखिए, हमारा लहंगा पूरा अच्छे से बन के रेडी हो गया है।
तो आप उसके लिए पूरी वीडियोस वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पे, सारा डिटेल है राधा रानी के व्रत की। तो ये मैंने दो पट्टियाँ ले ली हैं। अभी हमने क्या करना है कि पट्टियों को सिल लेना है और इनको सीधा कर लेना है। मैं ब्लाउज छोटा ही बनाऊंगी ताकि थोड़ी सी कमर दिखे। तो अब मैं दूसरी पट्टी को भी सीधा करके और इनके ऊपर गोटा पत्ती वाली लेस लगाऊंगी। अब पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ से और बस सिलाई कर लेंगे। हमने एक दूसरे के ऊपर आधा इंच चढ़ा लिया है और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट करने के बाद बहुत ही आसान है इस ब्लाउज को बनाना। दो पट्टियाँ ले लीजिए और बस उनको आप गोटा पट्टी या लेस से डेकोरेट कर लीजिए और फिर इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के सिलाई कर लीजिए। और सिलाई आपको जो बाजू वाली होती है उसको बहुत लूज सा रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है ताकि हम पहना सकें आराम से। तो देखिए ब्लाउज बन गया है। अब हम बॉटम पे पट्टी लगा लेंगे। जब हम लहंगे को पहनाते हैं तभी हम इसको अटैच कर देते हैं। नीचे से छोटा बड़ा उसको कट कर लीजिए। अब एक पट्टी लेके अंदर बॉटम की साइड मोड़ दीजिए और फिर हम दुपट्टे के लिए भी कपड़ा ले लेंगे, जितना भी बड़ा हम दुपट्टा बनाएंगे। तो ये देखिए ब्लाउज हो गया और यहाँ से इसे पीछे से ऐसे टक कर देंगे जब ब्लाउज के साथ ही, तो हमारी जो पूरी ड्रेस है वो बनके रेडी है। दुपट्टा भी मैंने काफ़ी बड़ा बनाया क्योंकि मेरी थोड़ी बड़ी राधा रानी है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगे तो ज़रूर से बताइएगा। बहुत धन्यवाद।